एनटीए ही असली बीमारी है, ये तो एक सिम्टम है नीट के अंदर करप्शन, असली बीमारी एनटीए है और उसको हटाना पड़ेगा। एनटीए बस एक बड़ा झूठ बोलने, बड़ा झूठ को छुपाने के लिए छोटा सा सच बता रहा है ग्रेस मार्क्स का। इस तरीके की दांधलियाँ कब तक चलेंगी ये देश में और इस तरीके से हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ऑल ओवर एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड करने के लिए ये सरकार तुली। एनटीए जिस तरह से पेपर लीक मैनेज कर पाता है हर एग्जाम में, जिस तरीके से हर एग्जाम में आप गड़बड़ी मैनेज कर पाते हैं, उसी तरीके से आप एग्जाम फिर से करवाना मैनेज करिए। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है, मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर छात्र संगठन आयशा और JNU-SU के प्रेसिडेंट और जो नीट के कई सारे अभ्यर्थी थे उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जैसा कि हम जान रहे हैं देश भर में अलग अलग छात्र संगठन देश भर में बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है। SFIE स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज के दिन ही केरल के अंदर लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर केंद्रीय एजेंसियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। NSUI लगातार देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है, राजधानी में भी उन्होंने कई बार बड़े प्रदर्शन किए। इसके अलावा जो सत्ता समर्थित छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि सीधा जुड़ाव उसका राष्ट्र सेवा संघ से है, वो भी इस पेपर में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो क्या वो सवाल है जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सरकार के जो सवाल जवाब आए हैं क्यों उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और उनको क्यों सरकारों की जो हर बात आई उनसे उम्मीद नहीं है और लगातार वो सड़क पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है, इस पर हमने उनसे बात की। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। 4 जून को नीट के रिजल्ट आए और उसके बाद उस नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे घोटाले सामने आए और पूरे देश भर में स्टूडेंट इसके खिलाफ सड़क पे हैं। नीट में स्कैम जो हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित रहे हैं और ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत इस देश के परिवारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम और एक ये मेडिकल का एग्ज़ाम, तो आप इतने बड़े एग्जामिनेशन में इतनी बड़ी गड़बड़ करेंगे और उसके बाद आपकी इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत है कि आप कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम तो सही से हुआ है, FIR जो पटना में दर्ज हुए उसमें कोई सबूत नहीं आए हैं पेपर लीक की। तो इस देश में जितने भी परिवार हैं जो बहुत आशा लगा के एक एक दो दो तीन तीन साल ड्रॉप लेकर के एग्जामिनेशन देते हैं, उनको धक्का तो लगेगा। NTA की दिक्कत ये आज की नहीं है, ये कह लीजिए कि साल दस साल जितने एग्ज़ाम वो ले रही है, चाहे वो CUT UG का ले रही है, PG का ले रही है, उसके साथ साथ NET का ले रही है, हर जगह इरेगुलरिटीज़ है, इरेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्ज़ाम सेंटर में लोग बैठे हैं दो दो घंटे बाद, तीन तीन घंटे बाद एग्ज़ाम होना, लोगों का ट्रेन है, इसको कोई फिक्र नहीं होता है। दूसरी तरफ देखिएगा कि आप पिछले साल देख लीजिए कि CUT PG में 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाए। कारण क्या था इसका? लेट से एडमिट कार्ड पहुंचना, चौथे प्रायोरिटी है जो सेंटर का वो दे देना, तो लोग एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाए। तो किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पर लोग एग्ज़ाम ही नहीं लिख पाएंगे तो एंट्री कैसे लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में? अगर आपके पास एक नॉर्मल कॉमन सेंस भी है तो आप ये बता सकते हो कि अगर एक्चुअल में 0.06% बच्चों को अगर ग्रेस मिलता है, भले वो कितना भी मिले, क्या उससे मार्क्स में रैंक में इन्फ्लेशन 500% तक नहीं हो सकता है? 67 स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं एक सेंटर से, 7-8 स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं और ये NTA जवाब नहीं दे पाती है। ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं अपने मनमाना तरीके से और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो मार्क्स, ग्रेस मार्क्स हटाया जाता है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से NTA विश्वास से पड़े हैं। हर्ष के पिछले साल 65 नंबर कम आए थे, इस साल उसके 627 नंबर हैं टोटल, उसके 65 नंबर कम आए थे, उसका रैंक बना था 9000 के समथिंग, आज उसके 65 नंबर ज़्यादा है इस साल और उसका रैंक बना है अराउंड 55000 के समथिंग। तो इतना बड़ा जो स्टूडेंट का इन्फ्लेशन है, इसी को देखते हुए जो है हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक प्रोटेस्ट किया जाए और NTA से हम सवाल किया जाए। NTA का पूरा का पूरा 2017 के बाद से जब से आई है एक बिचौलिए के तौर पर, जिसको बोलती है एक ऑटोनॉमी संस्था है कि लेती है, लेकिन आप देख लीजिए, आप NTA सेंटर में कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब 12वीं या BA के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, जो कॉपी चेक मतलब वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं वही एंट्री करवा रहे हैं। तो एक तरह की शिक्षा व्यवस्था में या एग्ज़ाम पैटर्न में कह लीजिए कि एक दोयम दर्जे का बिहेवियर सरकार अपना रही है।
नेट के पेपर में पेपर लीक हुआ था, जिस साल मैंने दिया था उस साल पेपर लीक हुआ था नेट का। CUET UG और PG में लगातार जितनी बार एग्जाम हो रहा है उतनी बार प्रॉब्लम्स हो रही है, सेंटर्स को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के तमाम प्रॉब्लम्स हो रही है और स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सिर्फ नीट का मुद्दा है नहीं, प्राइमरी मुद्दा हमारा पहला डिमांड तो यही है कि जो नीट की परीक्षा है वो फिर से करवाई जाए और सब स्टूडेंट्स के लिए करवाई जाए। दूसरा हमारा सबसे बड़ा और अहम डिमांड ये है कि जो NTA है, ऐसा बॉडी जो बिल्कुल भी कोई भी एग्जामिनेशन करवाने में, ढंग से करवाने में एकदम ही केपेबल नहीं है, उसको निरस्त किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्ज़ाम करवाने का, जितने भी स्टूडेंट्स इस देश में हर साल एग्ज़ाम देते हैं उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का कि वो अपने पसंद के कॉलेज में अपनी मेहनत से उस कॉलेज में एडमिशन ले सके, इसका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वापस इसका जिम्मा लें। एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए और एक जो ड्यूटी है एक ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट लेने की, अभी NTA कैपेबल नहीं है इस चीज़ का। अब हमको कोई और चाहिए, जैसे लाइक CBSE हो गया या कोई भी और चीज़ जो गवर्नमेंट वेरीफाइड हो। हाँ, जैसे पहले होता था कि हमको एक एटलीस्ट एक फेयर चांस मिले अपने आप को प्रूव करने का, अपने हार्डवर्क को एक यूटिलाइज करने का, ताकि हमें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। रीनीट देखिए हम इसलिए चाह रहे हैं, जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, जो पैसे दे करके ऊपर आया है, ठीक है, उसको रीनीट में जब बिठाया जाएगा तो वो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा इंटेलिजेंट है, यदि उसके 650 स्कोर आ रहा है, यदि वो रीनीट देगा तो उसके बाद उसका 630 हो सकता है या 650 से ऊपर जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से नंबर लाए उनके साथ भी अन्याय होगा अगर आप सोचे तो, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पैसा दे करके सीट लिया है या फिर पेपर लीक की वजह से जिनका सीट आया है, हो सकता था उस स्टूडेंट को मिल जाता है एम्स दिल्ली, मिल जाता उसको एम्स कहीं पे, लेकिन उसको नहीं मिला, कोई और सरकारी कॉलेज मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कॉम्पनसेटरी मार्क्स के तहत इतना ज़्यादा, जो जिसका नाम कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिया जा रहा है उसके तहत इतना बड़ा इन्फ्लेशन हुआ है। तो बात ये है ही नहीं ये चीज़ की, मतलब अरे उनके साथ अनफेयर हो जाएगा, ये तो सरकार हमें कह रहा है क्योंकि वो करना नहीं चाहता है। और ये कहना कि अरे इतना बड़ा प्रोसेस फिर से कैसे होगा, जिस तरीके से आप पेपर लीक मैनेज करते हैं हर एग्ज़ाम में, NTA जिस तरह से पेपर लीक मैनेज कर पाता है हर एग्ज़ाम में, जिस तरीके से हर एग्ज़ाम में आप गड़बड़ी मैनेज कर पाते हैं, उसी तरीके से आप एग्ज़ाम फिर से करवाना मैनेज करिए। ये हमारे UGC के चेयरमैन हैं, वो सुबह सुबह उठते हैं, क्या खा के उठते हैं कि उनको जो मन करता वो बोलते हैं, BA के बाद PhD हो जाएगा 4 साल के BA के बाद। फिर उन्होंने बोला कि नेट एक ही साथ नेट और PhD का एग्ज़ाम होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, तो मतलब कुछ भी बोलना। तो शिक्षा को एकदम डिग्रेड करना, PhD को, रिसर्च को डिग्रेड करना और ऑल ओवर एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड करने के लिए ये सरकार तुली हुई है। आप जो सैलरी देते हैं हर महीने, जो सैलरी आपकी जेब गर्म करती है, वो सैलरी इसलिए आपको दी जाती है ताकि आप एग्जाम्स ढंग से करवा सकें, स्टूडेंट्स को एक फेयर अपॉर्चुनिटी दे सकें अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हम देश में इतने बड़े, इतना डेवलप कंट्री की बात करने जा रहे हैं और हम अपने बच्चों के पेपर ही ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी UP पुलिस का पेपर लीक हो गया, कभी नीट का, कभी हम 10th और 12th तक के बोर्ड के पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। बताइए, बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आकाश, LN, वो रीनीट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो बस ग्रेस मार्क्स चाहते हैं और उनको लगता है कि 50-60 स्टूडेंट का री एग्ज़ाम एक विक्ट्री है, बट ये हमारे लिए एक लॉस है क्योंकि एक छोटे से चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ को छुपाया जा रहा है। हम उनके NTA को ख़त्म करने, नीट के एग्ज़ाम को फिर से लेने, शिक्षा को बचाने के नारे के साथ देश भर में हम लोग कैंपेन चलाएंगे, छात्रों के मेडिकल कॉलेज से होकर लेकर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट कोचिंग सेंटर से लेकर के तमाम जगहों पर हम लोग जाएंगे और स्टूडेंट को इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। और 19-20 को पूरे देश भर में छात्र सड़क पर उतरे, पूरे यूनिवर्सिटी उस सड़क पर उतरे, इसका प्रयास करेंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे जो भी स्वतः स्फूर्त स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा है आज नीट के खिलाफ, जो भी स्टूडेंट आज नीट के करप्शन के खिलाफ खड़ा है, हम उनको भी अपने साथ लेके आए और 19-20 को एक बड़ा प्रतिवाद दर्ज कराएं। सरकार को एक तरह से चेतावनी भी है कि आप NTA को स्क्रैप कीजिए, यही हमारा नारा भी है कि रीनीट, स्क्रैप NTA और सेव एजुकेशन। जैसा कि आपने बातचीत में सुना, कई गंभीर सवाल छात्र उठा रहे हैं, जो एक तो ग्रेस मार्क जिस तरीके से दिए गए, वो ग्रेस मार्क की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, और उसमें टाइम लॉस का सवाल, पहली बार जिस तरह से टाइम लॉस को लेकर ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, एक तो शक के दायरे में वो है, और लगातार जो रैंक में इतना बड़ा अंतर आया है, ग्रेस मार्क जिस तरह से 1500 बच्चों को दिए गए लेकिन ग्रेस मार्क में 500 गुना ज़्यादा का अंतर आना, ये कई गंभीर सवाल उठा रहा है जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कहा है जो आने वाले समय में ये 19-20 जून को देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं और इस आंदोलन को लगातार बड़ा करेंगे, और इनकी एक मांग है
जो नीट को दोबारा एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम दोबारा लिए जाएँ और NTA को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि NTA जिस तरह से लगातार जितने एग्ज़ाम ले रहा है उसमें जितने धांधलियों की खबरें आती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। दूसरा, और NTA की जो गड़बड़ियाँ हैं उसको जांच करने की जो कमेटी बनाई गई है वो NTA के ही चेयरमैन नहीं है, यानी कि उस पर ही आरोप है, खुद अपना जांच कर रहा है। इसको लेकर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है CBI से उसकी जांच कराई जाए। इस आंदोलन से जुड़ा और भी जो अपडेट होगा न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।